आगरा की बसैया रेला पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने जेब कतरा गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि सोशल मीडिया से जानकारी कर बड़े कार्यक्रमों में पहुंचा था गैंग। सांसद के कार्यक्रम में काटी गई कई लोगों की जेब, साथ ही चोरों के कब्जे से नकदी, पर्स, कार बरामद हुआ है। एसीपी पिनाट ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। थाना बसैया रेला पिरोड़ा क्षेत्र का मामला ये दिनांक 12 जून को फतेहपुर सिकरी लोकसभा के विजयी प्रत्याशी का स्वागत समारोह जगह जगह पर था, जिसमें स्वागत समारोह में कुछ लोगों के द्वारा जो है सूचना दी गई कि उन लोगों के जो है जो जेब आदि के जो है वो काटी गई हैं और उनका कुछ सामान जो है जेब से चोरी हो गया है। इस संबंध में दिनांक 13 को थाना पिडोरा थाना बसैया रेला पर तहरीर भी प्राप्त हुई है, जिसके तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत विवेचना की गई तथा अनावरण हेतु टीम गठित की गई, जिसके क्रम में एक हमारे पास गाड़ी का नंबर आया, उस गाड़ी को हम लोगों ने तस्दीक किया तथा एक व्यक्ति उससे तस्दीक हुआ। उसके बाद में अन्य जब उसमें और कड़ाई से पूछताछ की गई है तो लगभग उसमें 4 लोगों का अन्य नाम आया, जिनकी गिरफ्तारी भी की गई है और ये जानकारी हुई है कि इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है तथा पूर्व में भी इस क्षेत्र में ये इस तरीके की घटनाएं करते रहे हैं। इन लोगों से पैसे की बरामदगी हुई है, पर्स बरामद हुए हैं और आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। पर किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया करते थे क्या? इसमें पूछताछ में ये जानकारी हुई है कि ये लोग जो है बड़े प्लान तरीके से घटना क्या करते थे। जो वर्तमान में इन्होंने जो घटना की है उसमें इन्होंने कहा है कि हम लोगों को पूर्व से जानकारी हुई थी समाचार पत्रों आदि के माध्यम से कि इस तरीके से जो विजयी प्रत्याशी हैं वो इधर बाहा में की तरफ को आएंगे, और फिर इन लोगों ने ये देखा कि जगह जगह स्वागत समारोह हो रहा है तो काफ़ी भीड़ है, तो उस भीड़ का फ़ायदा उठा के हम लोग जो है जेब कतरी आदि की घटनाएं करेंगे, चोरी आदि की। तो इस तरीके से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा चेकिंग की गई थी और अन्य हमारे पास साक्ष्य संकलन किया गया, जिसके आधार पर इन अभियुक्तों को अभी जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो है हमारे अभी एक पिडोरा में अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा थाना बसैया रेला पर, इसके अलावा भी इनके पूर्व में घटनाएँ 2 पिनाहट की घटनाएँ हैं इसी तरीके से और 1 बसैया रेले घटना है तथा इनका जो है अन्य थाना क्षेत्रों से आपराधिक इतिहास भी अभी पता किया गया है, तो कुछ का आपराधिक इतिहास पता चला है और ये हाथरस और मैनपुरी यहाँ के अभियुक्त रहने वाले हैं और इस तरीके से